रिलैक्सो फुटवेयर। इंडिया के अंदर लीडिंग फुटवेयर कंपनी है रिलैक्सो फुटवेयर, और इंडिया के अंदर यूट्यूबर जो मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं वो हमेशा रिकमेंड करते हैं रिलैक्सो फुटवेयर के अंदर निवेश करने के लिए इन फुटवेयर सेक्टर। अगर आप एनालिस्ट का माने तो हमेशा एनालिस्ट रिलैक्सो फुटवेयर के अंदर निवेश करने का सलाह देते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर फुटवेयर सेगमेंट बहुत ही तेजी से ग्रो करने वाला है और रिलैक्सो फुटवेयर इंडिया के अंदर एक ऑर्गेनाइज प्लेयर के हिसाब से बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। इसीलिए एनालिस्ट का बहुत ही पसंदीदा शेयर है रिलैक्सो फुटवेयर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग रिलैक्सो फुटवेयर को फंडामेंटली देखेंगे कि किस तरह से वो कामकाज कर रहे हैं, साथ ही साथ जानेंगे कि फ्यूचर में रिलैक्सो फुटवेयर किस तरह से ग्रो करेगा और ये पर्टिकुलर शेयर आपके लिए निवेश करने का लायक है या नहीं है, और ये शेयर इतना पसंदीदा होने के बावजूद भी एक प्रॉब्लम इसके ऊपर अभी भी दिखाई देते हैं, वो प्रॉब्लम के बारे में भी हम लोग वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो स्लाइड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वहाँ पे आपको पता चलेगा कि किस तरह से कंपनी यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप सेल की बात करें तो 17.9 करोड़ पेयर कंपनी जूता सेल किए थे फाइनेंशियल 2020 में, वो बढ़ के 21 में 19.1 हो गया, लेकिन फिर से 22 में 17.5 करोड़ का पेयर की सेल यहाँ पे कंपनी ने किए हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर कंपैरिजन को दूसरे कंपनी से भी करेंगे तो वहाँ पे भी दूसरे कंपनी का भी जो सेल है वो बहुत ही ज़्यादा गिरते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर थोड़ा सा प्रेशर है उसकी वजह से। और मैनेजमेंट को पूछने के बाद इसका आंसर ऐसे दिया गया कि ये जो प्रॉब्लम है शॉर्ट टर्म के हिसाब से दिखाई दे रहा है क्योंकि, लेकिन आगे आने वाले जो साल है इस पर्टिकुलर नंबर के अंदर बहुत ही तेजी से सुधार आपको देखने को मिलेगा, इतना ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट मैनेजमेंट के द्वारा यहाँ पे दिया गया है। तो नीचे आप क्वार्टर वाइज भी देख पाएंगे कि किस तरह से क्वार्टर वाइज कंपनी यहाँ पे कितना पेयर सेल करते हैं। अभी बात करते हैं कि कितना पेयर, एक पेयर का शूज का जूते का जो अमाउंट है वो एवरेज कितना कंपनी अर्न कर रहे हैं। 2020 133 पर पेयर हिसाब से यहाँ पे अर्न करते थे, 21 में वो कितना हो गया 122 एंड फाइनेंशियल 22 में ये हो गया है 150 रुपीज। तो एक पेयर का कीमत यहाँ पे 150 रुपीज एवरेज किया है फाइनेंशियल 2022 के अंदर। हालांकि रिलैक्सो फुटवेयर महंगा शूज भी बेचता है, महंगा जूता भी बेचता है, लेकिन इसका जो 2/3 प्रोडक्ट है वो 500 रुपये का बहुत ही नीचे ये सेल करते हैं। और आपको ये बात पता होगा कि हाल ही में जो टैक्सेशन का ऊपर थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, पहले जो महंगा शूज होता था उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था और लो प्राइस के ऊपर कंपनी को कम टैक्स पे करना पड़ता था, लेकिन अभी उसको एक फिक्स प्राइस कर दिया है और इसीलिए रिलैक्सो के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है, क्योंकि रिलैक्सो के पास जितना भी प्रोडक्ट है वो कम महंगा दिखाई देता है, मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए ज़्यादा ये जूता यहाँ पे बनाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे टैक्स सेम होने के कारण कंपनी को टैक्स यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ रहा है रिसेंट कंडीशन में, लेकिन ये प्रॉब्लम भी कंपनी धीरे धीरे सुधारते रहेगा। अगर आप क्वार्टर वाइज शूज का प्राइस देखेंगे, जूते का प्राइस देखेंगे, तो यहाँ पे कंपनी धीरे धीरे अपना जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो इंक्रीज कर पा रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स का प्राइस भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए कंपनी को ये प्राइस इंक्रीज करना भी पड़ रहा है, जो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। ICRA का रेटिंग की बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए डबल ए रेटिंग एंड शॉर्ट टर्म के लिए A1 पॉजिटिव का रेटिंग यहाँ पे दिया गया है, जो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा रेटिंग माना जाता है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। तो सबसे पहले कंपनी का रेवेन्यू की बात करते हैं, तो 2020 के हिसाब से 2022 तक कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे ग्रो कर रहा है। हालांकि मार्केट के अंदर फुटवेयर कंपनी के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है ड्यू टू क्रूड ऑयल का प्राइस जो इन्फ्लक्चुएशन हो रहा है उसकी वजह से, उसके बावजूद भी कंपनी यहाँ पे रेवेन्यू ग्रो कर रहा है। नीचे यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट भी देख पाएंगे, थोड़ा सा अप एंड डाउन है, लेकिन ईयरली ये कंपनी ग्रो कर रहा है। साथ ही साथ आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि रिलैक्सो फुटवेयर जहाँ पे काम करते हैं, जिस फील्ड में काम करते हैं, वहाँ पे सीजनल भी इफेक्ट डालते हैं, जैसे कि पूजा के टाइम, दिवाली के टाइम इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर थोड़ा सा सेल ज़्यादा होता है। अगर आप EBITDA मार्जिन देखते हैं रेवेन्यू एनुअल बेसिस में, तो यहाँ पे अपना जो मार्जिन है वो थोड़ा सा डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है ड्यू टू द सेम प्रॉब्लम, रॉ मटेरियल्स का प्राइस।
कभी भी किसी कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन जब इफेक्ट हो जाता है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है वो भी बहुत ही जल्दी डिक्रीज होते हुए आपको देखने को मिलता है। सेम प्रॉब्लम रिलैक्सो के साथ भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है वो बहुत ही नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप रिलैक्सो फुटवेयर के ऊपर कर्जे की बात करें, जो नेट कर्जा है कंपनी के ऊपर वो आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। उसके पीछे का कारण है कि कंपनी के पास अच्छा खासा कैश मौजूद है, इसीलिए नेट जो कर्जा है वो नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी का नेट वर्थ भी इम्प्रूव हो रहा है एंड कैपिटल एम्प्लॉयड भी कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं। अगर कैपेक्स की बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कंपनी यहाँ पे धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी का मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए कंपनी का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो धीरे धीरे कंपनी इंक्रीज कर रहे हैं फ्यूचर में और भी डिमांड को हैंडल करने के लिए। हाल ही में आपको ये तो पता ही होगा कि रिसेंटली कंपनी अपने जो कैपेसिटी है वो भी यहाँ पे इंक्रीज किए हैं। अगर आप रिलैक्सो फुटवेयर के एक्सपोर्ट मार्केट भी देखते हैं तो वो भी लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। स्पेशली आप अफ्रीकन मार्केट के अंदर देखेंगे तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो अफ्रीकन मार्केट के अंदर भी बहुत ज़्यादा सप्लाई होता है। उसके पीछे का मेन रीज़न है कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा चीप है, जो चाइनीज मार्केट के साथ यहाँ पे कंपटीशन दे पा रहे हैं। वर्ल्ड वाइड मार्केट देखते हैं तो चाइनीज मार्केट यहाँ पे डोमिनेंट प्लेयर नजर आता है फुटवेयर मार्केट के अंदर, लेकिन रिलैक्सो यहाँ पे जिस तरह से प्रोडक्ट बना रहा है वो थोड़ा सा लंबा चलता भी है, साथ ही साथ प्रोडक्ट भी चीप होने के कारण अफ्रीकन मार्केट के अंदर डिमांड यहाँ पे बढ़ रहा है। हालांकि मैं यहाँ पे अफ्रीका में रहता हूँ अभी, तो मैं जो सामने ये सब प्रोडक्ट में अपने देख पाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितना भी इंडियन मॉल्स यहाँ पे नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ फ्रेंच मॉल भी आप देखेंगे तो वहाँ पे भी रिलैक्सो फुटवेयर का जो जितना भी प्रोडक्ट है वो सारे ब्रांड सेग्रीगेट करके यहाँ पे रखा जाता है। तो अच्छा खासा डिमांड अफ्रीकन मार्केट की रहने के कारण यहाँ पे रिलैक्सो फुटवेयर का ब्रांड यहाँ पे लाते हैं, जैसे तंजानिया हो गया, कैमरून हो गया, उसके साथ उगांडा हो गया, ये सब कंट्री में रिलैक्सो फुटवेयर का ब्रांड आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगर आप रिलैक्सो फुटवेयर का मार्केट कैप की बात करें तो वो भी लगातार ग्रो हो रहे हैं, साथ ही साथ कंपनी का पीई रेशियो भी ग्रो हो रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो पर्टिकुलर शेयर का डिमांड यहाँ पे बढ़ रहा है, इसीलिए कंपनी का पीई रेशियो भी यहाँ पे धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। हालांकि रिजल्ट भी इसके ऊपर एक इफेक्ट डालता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इंडियन फुटवेयर सेक्टर के अंदर आप निवेश करना चाहते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि रिलैक्सो के अंदर आप स्पेशली निवेश करेंगे, तो इस पर्टिकुलर स्लाइड को आप ध्यान से देख लीजिए, तो आपके अंदर जितना भी क्वेश्चन है वो थोड़ा सा क्लियर हो सकता है। अगर आप ग्लोबली फुटवेयर सेक्टर की बात करें तो इसका जो मार्केट साइज 2021 तक था वो था 385 बिलियन डॉलर का। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2025 तक ये 476 बिलियन डॉलर बन सकता है, जो 5.5% का CAGR ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उस हिसाब से अब इंडियन मार्केट को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे ग्रोथ डबल से भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2021 पे इंडिया के पास 545 बिलियन रुपीस का यहाँ पे फुटवेयर सेक्टर का साइज हुआ करता था, और 2025 तक एनालिस्ट का मानना है कि ये 821.7 बिलियन रुपीस तक पहुंच जाएगा, जो 10.8% का CAGR ग्रोथ है। तो ग्लोबल मार्केट को पीछे छोड़ते हुए इंडियन मार्केट बहुत ही तेजी से ग्रो करेगा फुटवेयर सेगमेंट के अंदर। अगर आप पर्टिकुलर ब्रांड देख लेते हैं तो रिलैक्सो इंडिया के अंदर एक लीडिंग ब्रांड है, इसका प्रोडक्ट सस्ता से लेके महंगा भी है, तो इसीलिए इसका सबसे ज़्यादा मेजर फायदा मिलेगा। तो उस हिसाब से रिलैक्सो फुटवेयर यहाँ पे और भी तेजी से ग्रो करेगा, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। साथ ही साथ यहाँ पे राइट साइड में ये भी नजर डालिए, इंडिया के अंदर पर पर्सन यहाँ पे 1.9 पेयर शू या जूता इस्तेमाल किया जाता है। ग्लोबल एवरेज कितना है? 3.2। ग्लोबल एवरेज अभी भी 3.2 दिखाई दे रहा है, लेकिन यूएसए मार्केट देखते हैं, जो डेवलप मार्केट है, वहाँ पे 8.1 पेयर जूता पर पर्सन यूज किया जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि इंडिया कितना नीचे है, ग्लोबल एवरेज से भी इंडिया बहुत ही नीचे है। तो फ्यूचर में आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से फुटवेयर सेक्टर के अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप टॉप 5 ग्लोबल कंज्यूमर की बात करें जो फुटवेयर इस्तेमाल करते हैं, तो चाइना यहाँ पे नंबर 1 पे है, क्योंकि पॉपुलेशन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट करता है, तो चाइना यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। उसके बाद इंडिया का नंबर आता है, उसके बाद यूएसए का नंबर आता है, लेकिन यूएसए से इंडिया उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज बहुत ही डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी आप ग्रोथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये जो नंबर दिया गया है, ये मिलियन पेयर्स का नंबर दिया गया है,
तो यहाँ पर रिसेंटली इंडिया यूएसए को क्रॉस करके आगे निकल गया है। साथ ही साथ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट फुटवेयर प्रोड्यूसर भी इंडिया नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले चाइना का नाम आता है, इवन ग्लोबल मार्केट में अभी भी चाइना बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग प्लेयर है फुटवेयर मार्केट को लेके। लेकिन फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि इंडिया भी यहाँ पे ग्रो करेगा, अभी भी इंडिया सेकेंड पोजिशन में दिखाई दे रहे हैं। और इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया जो कोटा चल रहा है उसके साथ ये और भी तेजी से ग्रो कर सकता है। तो फुटवेयर मार्केट के अंदर निवेश करने से पहले आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है अभी भी इंडिया के अंदर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर वो धीरे धीरे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको कैप्चर कर रहे हैं, वो होना भी चाहिए। तो यहाँ पे जितना भी ब्रांडेड कंपनियाँ जैसे बाटा रिलैक्सो हो गया, वो धीरे धीरे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको धीरे धीरे कैप्चर कर रहे हैं। स्पेशली कोविड के बाद ये बहुत ही तेजी से यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी एक फैक्टर इंडियन ब्रांडेड कंपनी को ग्रोथ देने में सक्षम होगा। अगर आप स्पेशली इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो पहले इंडिया बहुत ज़्यादा फुटवेयर प्रोडक्ट इंपोर्ट करता था, वो यहाँ पे रस्टिकली बहुत ही नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर अच्छा खासा ब्रांड यहाँ पे इंप्रूव हो रहा है। जैसे रिलैक्सो अच्छा अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, इवन फैशनेबल प्रोडक्ट भी यहाँ पे निकालते हुए दिखाई दे रहा है, इसीलिए इम्पोर्ट यहाँ पे धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, जो अच्छी बात है इंडियन के लिए। साथ ही साथ इंडिया का जो राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम है वो दिन दिन इंक्रीज हो रहा है, तो वो भी रिलैक्सो फुटवेयर का एक फ़ायदा दिलाएगा। और लाइफस्टाइल जितना इम्प्रूव होगा तो धीरे धीरे पब्लिक यहाँ पे खरीदारी भी ज़्यादा करेगा। इंडिया के अंदर मिडिल क्लास का इनकम यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वो ब्रांडेड के अंदर शिफ्ट हो सकता है। इंडियन मिडिल क्लास फैमिली इसीलिए ब्रांडेड नहीं खरीदते थे क्योंकि वहाँ पे एक महंगाई दिखाई देता था, लेकिन अभी भी सस्ते में जो ब्रांडेड कंपनी का प्रोडक्ट मिल रहा है इसीलिए वहाँ पे ब्रांडेड में शिफ्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे फैक्टर इंडियन फुटवेयर सेक्टर के लिए एक फ्यूचर ग्रोथ का कमाल दिखा सकता है। 60,000 से भी ज़्यादा रिटेलर्स रिलैक्सो फुटवेयर के साथ जुड़े हुए हैं, 650 से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, और 30 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में कंपनी का प्रोडक्ट यहाँ पे सप्लाई होता है। दुबई के अंदर में भी रिलैक्सो फुटवेयर का एक ऑफिस भी मौजूद है। और ऑनलाइन अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये सारे प्लेटफॉर्म के अंदर रिलैक्सो फुटवेयर का प्रोडक्ट आपको बहुत ही ईजिली मिल जाता है। वीडियो के शुरू में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि रिलैक्सो फुटवेयर के अंदर एक प्रॉब्लम जो नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है वो है कंपनी का वैल्यूएशन। हालांकि ये पर्टिकुलर शेयर बहुत सारा निवेशकों का निवेशित जो है बाजार में उसका पसंदीदा शेयर माना जाता है, उसके बावजूद भी कंपनी जिस वैल्यूएशन में अभी ट्रेड कर रहे हैं वो थोड़ा सा रिस्की दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ये पर्टिकुलर शेयर आपको लो वैल्यूएशन में मिलना भी थोड़ा सा दिक्कत डाल सकता है, क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ जिस तरह से रिलैक्सो के अंदर दिखाई दे रहे हैं तो उस हिसाब से देखते हैं तो ये लो वैल्यूएशन में मिलना भी आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो कभी भी मार्केट के अंदर डीप आपको दिखाई दे तो आपको इसके अंदर निवेश करना चाहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठाकर भी देख लेते हैं तो कंपनी का वैल्यूएशन लगातार यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो कभी भी डीप में आपको मौका मिलता है तो इस मौके को आप एज अ स्कोप हिसाब से आप ले सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।